So don't panic, it's organic. तो हम यहाँ पे मिलके मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज बनाने का हमारा मेन टॉपिक है। बहुत जल्दी हम अपने कैफे में मोमोज एडम करने वाले मेन्यू में। उससे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, मैं जीवन और मेरे साथ यहाँ पे है। तो यहाँ पे शेफ अरुण भी हमारे साथ। तो जस्ट वन एड ऑन गाइस, जो हम ये मोमो स्टार्ट करें दैट विल बी अ कलरफुल। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी कलर है उसमें हम यूज करें बीटरूट जूस एंड स्पिनिच जूस। तो हम जहाँ पे हमारे रेड मोमोज होंगे दैट विल गो चिकन वन एंड ग्रीन मोमोज होंगे दैट विल गो वेज वन। तो हम इंस्टेड ऑफ डिफरेंट शेप हम कलर पे जा रहे हैं तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो लेट मी शो यू वन थिंग गाइस, जहाँ पे वहाँ पे ये बीटरूट जूस है और सेम वे हमने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखा है। हमारे पास यहाँ स्पिनिच जूस है तो हमने ये दो जूस यहाँ पे ले रखे हैं, बीटरूट और स्पिनिच, जिससे हम कलर्ड मोमो निकालेंगे। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो डो है वो बना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वाटर के साथ अपने जो ये जूस हमने ले रखे हैं बीटरूट और स्पिनिच जूस उनका यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने अपना फ्लावर ले रखा है, जो हमारे पास फ्लावर है एपी फ्लावर और पर्पस फ्लावर हमने ले रखा है। द सेम वे आई हैव टोल्ड यू, हमारे पास यहाँ पे यूज पड़ा है जो बीटरूट है। लेट मी शो यू गाइज, तो हम जाए डो अपना नीट करे बनाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ वाटर वी आर टेकिंग दैट बीटरूट जूस। सो डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक, ये हमारी टैग लाइन है कि देयर इज नो कलर इन इट। तो ये कोई आपको अगर मैं अनहेल्दी उस साइड में लिया, इट्स ऑल नेचुरल। हाँ, कलर इसका बहुत प्यारा है। तो द मीन वाइल यू आर मेकिंग अ डो, कलर थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा, तो वंस योर मोमोज इज रेडी आफ्टर दैट द शाइन उसके ऊपर जो ग्लेज आती है वो देखने में बहुत ही अल्टीमेट है और इसका कलर काफी अच्छा लगता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ डो बना रहे हैं और धीरे धीरे कलर इसका आने लगे। तो वंस इट विल बी डन एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि इसके जो प्रॉपर कलर है वो कैसा आएगा और वो कैसा होगा। तो अभी जो स्टार्टिंग है इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत कलर आ गया। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे हमारा डो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया। मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ कि स्मूथ रहे और ज्यादा ड्राई ना हो जाए। तो हल्का सा ऑयल, वंस इट्स डन यू हैव टू मेक श्योर जब आप अपना जो डो बनाओ इसको अच्छी तरह स्मूथ कर लो, इसमें कोई लंप्स नहीं होना चाहिए। तो सम टाइम वी हैव टू ब्रेक इट, हम बीच में इसको तोड़ तोड़ के अच्छी तरह से इसमें जितने भी लंप्स हैं उनको निकाल लेते हैं। और वंस इज डन आप हल्का सा ऑयल मार के अपना डो नीट करके साइड में रख लीजिए। तो इट विल नॉट गेट ड्राई जब बिकॉज ऑफ जो ऑयल की लेयर होगी उसकी वजह से इसकी ड्राइनेस नहीं आएगी। तो हमारा जो ये डो था बीटरूट का, तो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम गाइस, हम इसमें कोई कलर यूज नहीं कर रहे, हमने जो यूज किया इसे नेचुरल कलर जो बीटरूट जूस से हमने निकाला है, जिसको हिंदी में आप चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर के रस से बीटरूट जूस से हमने ये अपना डो बनाया है। तो हमने अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने जो वेज क्ले है वो हम ग्रीन रख रहे हैं जो स्पिनिच जूस यूज कर रहे हैं और ये रेड वाला हम यूज करेंगे फॉर चिकन। तो गाइस फाइनली हमारा जो बीटरूट का डो वो डन हो गया, जो चुकंदर के जूस से हमने बनाया डो वो डन हो गया। नाउ वी विल वर्क ऑन स्पिनिच वाला, जो हम पालक के जूस से जो हम डो बनाएंगे वेज क्ले दैट विल बी ग्रीन इन कलर, वो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हमने ऑलरेडी नीट करके ऑयल करके साइड रख देंगे फॉर रेस्ट। सो विल बी गिविंग इट रेस्ट समवेयर अराउंड 10 टू 15 मिनट का रेस्ट देंगे हम इसके, उसके बाद हम इससे मोमोज बनाना स्टार्ट करेंगे। इसकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए जब भी का, हमने हर एक चीज का रेशियो बना रखा है। वी आर यूजिंग बीटरूट चुकंदर जो उसको हम जूस बनाने के लिए यूज करें, उसमें हमने वाटर ऐड किया, कितना क्वांटिटी में वाटर ऐड करना है, कितना क्वांटिटी में आपको फ्लावर लेना है, कितने क्वांटिटी में उसमें आपको बीटरूट जूस और वाटर ऐड ऑन करना है। अगर आपको इसको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजिए और नेक्स्ट मैं वीडियो इसी की डिटेल में निकालूंगा, वेयर यू विल गेट टू नो हाउ टू मेक दिस मोमोज आउट ऑफ दिस बीटरूट एंड स्पिनिच जूस। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अब नेक्स्ट हम जो काम करने वाले वो अपने स्पिनिच जो डो है ग्रीन वाला उसको बनाने जा रहे हैं, अब इसको हम साइड रखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम यहाँ पे दो टाइप का डो यूज करने वाले हैं, जैसे पिछले हमने जो यूज किया था बीटरूट का, तो नाउ वी आर यूजिंग स्पिनिच प्यूरे एंड स्पिनिच वाटर फॉर वेज मोमो। तो हमारे जो वेज मोमोज होगा उनका कलर होगा ग्रीन का। तो यहाँ पे हमने अपना स्पिनिच प्यूरे ले रखा है, यहाँ पे हमारा फ्लावर पड़ा है और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जस्ट बिकॉज मोमो के लिए हमें जो डो की कंसिस्टेंसी है वो काफी हार्ड चाहिए, वी हैव टू मेक श्योर वो ज्यादा वेट ना हो, ज्यादा गीले ना हो, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ आपने हमने स्पिनिच प्यूरे लिया है, फ्लावर लिया है, फ्लावर जो है एपी फ्लावर और पर्पस फ्लावर, धीरे धीरे करके हम उसी में जो स्पिनिच प्यूरे एपी फ्लावर में यूज करेंगे उसको एक डो बनाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, डो है वी हैव टू मेक श्योर डो हार्ड होना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, हैज टू बी हार्ड, तो मोमोज की स्टफिंग है उसको होल्ड कर पाए। अरे ज्यादा वेट होगा व्हाइल यू आर स्टीमिंग इट, वो स्टीम प्रॉपर हो नहीं पाएगा, उसकी जो आउटर लेयर है वो फट जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर व्हाई वी आर नीडिंग इट, व्हाई वी आर मेकिंग अ डो आउट ऑफ इट, हैज टू बी अ थिक, वो चीज बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, जैसे जैसे हम फिनिश प्यूरे इसमें ऐड करने जाएंगे इसका कलर और ज्यादा एनहांस होता रहेगा और अच्छा आता रहेगा। देखिए धीरे धीरे करके इसमें प्यूरे ऐड करते रहेंगे, हमारे पास फाइनली हर डिजायर और कंसिस्टेंसी है वो फाइनली आ जाएगा।
सो फाइनली गाइस एज आई टोल्ड यू, तो हमारे जो दोनों डो है वेज क्ले और नॉन वेज क्ले, वेज क्ले हम यूज कर रहे हैं स्पिनी डो और नॉन वेज क्ले हम यूज कर रहे हैं बीटू डो। तो दोनों डन हो गए, मैं अब ये इसको थोड़ा अराउंड 5 to 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने जो मोमोस है वो बनाने स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट विल गो विद अ चिकन वन, तो हम पहले चिकन वन ट्राई करेंगे। चिकन की जो स्टफिंग है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, जो स्टफिंग हम बना रहे हैं और आपको देखनी है या डिटेल वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करिए नीचे, और वो नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो डिटेल में वो भी शो कर दूंगा। बाय द वे भी हम इसकी स्टफिंग बनाने यूज करें, वन स्टफिंग विल बी डन, वी विल स्टार्ट फिलिंग इनसाइड द डो, वो चीज हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारे वेज और चिकन मोमो दोनों बनके रेडी है। जस्ट बिकॉज टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो डिटेल वीडियो बना नहीं पाए, पर अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप हमें रियली अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। इन फ्यूचर भी हम ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।